related to fashion, beauty, lifestyle, vlogs and some mental health tips. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग घर में उबतन फेस पैक बना सकते हैं जिससे कि हम एकदम ग्लोई शाइनी फेस एंड स्किन पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आइए बनाते हैं उबतन फेस पैक, जिसके लिए मैंने एक बाउल में यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा ले लिया है। यह मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। चावल का आटा हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और अब ये मैंने 2 चम्मच भी इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारे फेस में से काफी दाग धब्बों को हटाने में मददगार होता है। नाउ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज द बेसन। बेसन भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच लेने वाली हूँ। एंड बेसन भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स और ऑयल को कंट्रोल करता है। प्लस ऑल्सो इसमें ये हमारे स्किन के पीएच के लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। एंड अब हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट डालने वाले वो है कर्ड। ये मैं करीब यहाँ पे 2 चम्मच कर्ड डालने वाली। कर्ड में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन को काफ़ी ब्राइटन अप कर देता है और बहुत ही एक ग्लोई और शाइनी इफेक्ट देता है हमारे फेस में और स्किन में। एंड इस तरीके से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम जो चौथा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो है लेमन जूस। आधा कटा हुआ लेमन लिया है मैंने। लेमन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी जो कि हमारे फेस और स्किन को बहुत ग्लोई इफेक्ट देता है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। प्लस ये हमें एक्ने से भी प्रिवेंट करता है। एंड जो पांचवा हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो है टर्मरिक। टर्मरिक एक बहुत ही अच्छा एड ऑन है इस DIY के अंदर, क्योंकि टर्मरिक हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। और अब हम ऐड करने वाले हैं रोज वाटर, डाबर गुलाबरी रोज वाटर, जो कि हमारे स्किन को क्लियर बनाता है, ग्लोइंग इफेक्ट देता है, हाइड्रेटेड रखता है और हमारे पोर्स को भी क्लियर आउट करता है। इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे इसमें एंड फिर उसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्सचर को मिक्सअप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पेस्ट ये बन के रेडी हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा फ्लोई थिन टेक्सचर भी नहीं करना है। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आपके उबतन फेस मास्क का। अब हमारा उबतन फेस मास्क तैयार हो चुका है। अब बारी आती है कि इसको हम अप्लाई कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसको पूरे फेस में कवर करना है, कहीं पे भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। आप इसको धीरे धीरे करके अच्छे से हर जगह स्प्रेड आउट कर लीजिए एंड अच्छे अमाउंट में लीजिए। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से पूरे एरिया में स्प्रेड आउट कर लिया अपने फेस के। इसी तरीके से आप पूरे फेस को कवर कर लीजिए उबतन फेस पैक से। ये बहुत ही लाभकारी होता है हम लोगों के स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, और अगर डार्क स्पॉट्स है उसको भी रिड्यूस करता है, एक्ने को भी रिड्यूस करता है, पोर्स को क्लींस आउट करता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं। जो लोग टू बी ब्राइड्स हैं वो लोग इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है। ये हमारे स्किन को काफ़ी हेल्दी, ग्लोई और बहुत ही सुंदर निखार लेकर के आता हमारे फेस में। और इसको हमें 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का ये सूख जाता है। आप चेक कर लीजिए कहीं पे गीलापन ना हो, वो हर जगह से सूख जाना चाहिए। और 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को धो लीजिए एंड धोने के बाद कुछ इस तरह का निखार आता है हमारे फेस में, एकदम ग्लोई और शाइनी हो जाता है, गोरापन आ जाता है।
काफी इंस्टेंट इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको कंटिन्यूसली एक महीने तक यूज करके देखिए। तो देखा आपने कि कैसे हमने इतनी आसानी से घर में उबटन फेस पैक बना लिया, जिससे कि मेरा चेहरा ऐसा खिलखिला। आप भी पा सकते हैं इस तरह का ग्लोई और शाइनी फेस और स्किन। आप इस DIY को जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। महंगे उबटन फेस पैक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट से इसको घर में इजीली बना सकते हैं। सिर्फ बेसन, चावल का आटा, नींबू, रोज वाटर और दही से, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फायदा करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।